जैसे बहुत सारे ऑर्गन मिल के एक सिस्टम बनाते हैं हमने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम आज बारी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेलो एंड जय स्टूडेंट हेयर वी आर विद चैप्टर कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि आपके सिलेबस का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हाँ इस चैप्टर को अगर आपने मिस कर दिया आई एम वेरी श्योर यू आर गोइंग टू मिस अ लॉट ऑफ मार्क्स ये डायग्राम बेस्ड चैप्टर है इस पर खूब सारे क्वेश्चन आते हैं आप किसी भी ईयर का बोर्ड का पेपर उठा लीजिए आप ढेर सारे डायग्राम्स देखेंगे इस चैप्टर पे तो चलिए आज फिनिश करेंगे वन शॉट में हाँ मेरे ही अंदाज में इस पूरे चैप्टर को एक बार में ही पूरा तो पूरे चैप्टर को अंत तक देखिएगा अगर आप इस चैप्टर से फुल मार्क्स चाहते हैं तो रिप्रोडक्शन क्या है एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम नए इंडीजल्स पैदा करते हैं शर्त एक और भी है ये नए इंडिविजुअल्स कैसे होने चाहिए जो फर्दर जनरेशन प्रोड्यूस कर सके ऑफ सिमिलर काइंड इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस जिससे नए इंडिविजुअल्स ऑफ सेम काइंड याद रखिएगा कैट्स कैन गिव बर्थ टू कैट्स नॉट डॉग्स है ना तो सेम काइंड और वो जो कैट्स रिप्रोड्यूस हो रही हैं ऑफस्प्रिंग्स हैं जो कैट्स की वो भी फर्दर आने वाले समय में क्या करेंगी फर्दर कैट्स को प्रोड्यूस कर पाएंगी इए रिप्रोडक्शन में नए इंडिविजुअल्स पैदा होते हैं रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से हो सकता है सेक्शुअल और अ सेक्शुअल सेक्शुअल हाँ जिसमें मेल फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती हो उसे कहते हैं सेक्सुअल मेथड और जिसमें किसी एक पेरेंट से ही किसी एक पेरेंट से ही फर्दर नए इंडिविजुअल्स ग्रो कर दिए जाए उसे कहते हैं असेक्शुअल अगर हम सिंपलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें बैक्टीरिया की बात करें हाइड्रा की बात करें तो वो लोग असेक्शुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं हाँ, उनके मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन का नाम है अ क्योंकि उसमें एक पेरेंट की बॉडी इन्वॉल्व है अब अमीबा की बात कर लेते हैं तो अमीबा रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन से मल्टीपल फिजन से जिसमें एक अमीबा ग्रो करके मैच्योर होकर के दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है और फर्दर वो दो अमीबा चार में ब्रेक हो जाते हैं एंड दिस गोज ऑन हम कहते हैं इसे फिजन तो एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ी हाइड्रा की एग्जाम्पल दू तो हाइड्रा में बडिंग होती है हाइड्रा में एक एक्सटीरियर पार्ट डेवलप हो जाता है जिसे हम बड कहते हैं वो आउटग्रोथ के रूप में डेवलप होता है और जब ये पेरेंट से डिटैच हो जाता है एक सेपरेट इंडिविजुअल हाइड्रा हो जाता है आप खत्म कहीं मेल फीमेल की बात की क्या मैंने नहीं तो ये कैसा रिप्रोडक्शन है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बट हमारा टॉपिक है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन जो हायर ऑर्गेनिजम्स में टेक प्लेस करता है इंक्लूडिंग हम लोग में इंक्लूडिंग ह्यूमंस में तो ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं क्योंकि इसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट्स का इस्तेमाल होता है अच्छा गैमेट्स क्या होते हैं तो गैमेट्स आर वेरी स्मॉल एंड आर प्रोड्यूस्ड इन मेल एंड फीमेल सेक्सेस सेपरेट अर्थात मेल गैमेट फीमेल गैमेट सेपरेटली प्रोड्यूस हो रहे हैं मेल की बॉडी में मेल की बॉडी में हां भाई मेल की बॉडी में टेस्टिस और फीमेल की बॉडी में ओवरीज ये प्रोड्यूस करने वाले हैं सेक्स सेल्स ठीक है द गैमेट्स मस्ट प्रोड्यूस यूनाइट और ये गैमेट्स क्या होने चाहिए मिलने भी चाहिए जब तक मेल और फीमेल गैमेट्स मिलेंगे नहीं तब तक क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो द गैमेट्स मस्ट यूनाइट टू प्रोड्यूस अ जायगोट मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलेंगे बनेंगे जायगोड़ और जायगोड़ एक लंबे प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट के बाद बन जाएगा ऑफस्प्रिंग अर्थात न्यूबॉर्न आइए समझते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस ध्यान दीजिएगा सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की तो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स चाहिए सिस्टम जब भी बड़ा आता है तो इसमें ढेर सारे ऑर्गन्स मिलकर के बनाते हैं एक सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे आपने पढ़ा था उसी तरह से एक्सक्रीटरी पढ़ा तो यहां पर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो जो ऑर्गन इसमें चाहिए वो दो पार्ट में डिवाइडेड है पहले ऑर्गन वो है जिनको हम प्राइमरी हाँ, वो जो एक्चुअली में सेक्स सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको कहते हैं प्राइमरी ऑर्गन मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज ये हैं प्राइमरी प्राइमरी ऑर्गन गोनाइट एक सिंगल टर्म है इनके लिए इन दोनों के लिए चलिए दूसरे क्या उनसे ऑर्गन है असेसरी, असेसरी? मतलब सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये सेक्सेल्स तो नहीं प्रोड्यूस करते हैं बट उनको किसी न किसी रूप में सपोर्ट करते हैं इसमें क्या आते हैं इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स आएंगे कुछ डक्ट्स डक्ट हाँ इसमें कुछ पाइप्स आएंगे डक्ट्स आएंगे कनेक्टिंग ट्यूब्स आएंगे क्लैंड आएंगे ये सब क्या करेंगे हेल्प करेंगे इनको ट्रांसफर करने में मीटिंग ऑफ द टू सेल्स अर्थात स्पर्म को और हो दोनों को मिलाने में मदद करेंगे ये सेकेंडरी जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो पाएगा और आगे जाके एग से न्यूबॉर्न डेवलप होगा स्टार्ट करते क्योंकि लेबलिंग आपको आनी चाहिए जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो सबसे पहले आएगा दिखाई देगा आपको पेनिस हाँ जिसको पीनस भी बोल रहे हैं पीनस अटैच्ड एक मस्कुलर ऑर्गन है है ना पीनस एक मस्कुलर ऑर्गन है और दूसरा दिख रहा है पीनस के अंदर ही एक नैरो ट्यूब कॉल्ड एस यूरेथ्रा जो कि एक्चुअली यूरिन को रिमूव करने में मदद करता है और यहीं से स्पर्म भी पास होता है किससे एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यूरेथ्रा देखा आपने अब पेनिस एक मस्कुलर ऑर्गन है इसको टाइटन करने के लिए रेक्ट, रेक्टाइल करने के लिए एक मसल है नाम है रेक्टाइल मसल देख पाएंगे एक मस्कुलर ऑर्गन है अब पेनिस जुड़ा हुआ है किससे पेनिस जुड़ा हुआ है इस नैरो ट्यूब यूरेथ्रा से यूरेथ्रा आगे जाकर के कंबाइंड हो जाती है बल्बो यूरेथ्रल हाँ बल्बो यूरेथ्रल जगह कम है मैं लिख देता हूँ बल्बो लिख करके ये छोटे ये ये छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं जो एसेसरी ग्लैंड्स के रूप में काम करेंगे आप देख पा रहे होंगे कि आपको बड़े ब्रॉड दिखाई दे रहे हैं जो ओवल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड दीज टेस्टीज किसके अंदर होते हैं यही टेस्टीज ही एक्चुअली गोनेड्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन्स हैं और टेस्टीज आर कवर्ड

आगे जाकर के क्या करेगा कंडक्टिंग ट्यूब से कंडक्टिंग ट्यूब से क्या हो जाएगा सेमिनिकल वेसल में जुड़ जाएगा सेमिकल वेसल इसमें फ्लूड ऐड करेगी एक सिक्रीशन एड करेगी प्रोस्टेट ग्रैंड आगे इसमें सिक्रीशन ऐड करेगा एंड फाइनली बल्बो यूरिथ्रल ये सीक्वेंस में क्या होंगे इसमें इस स्पर्म को सीमेन में कन्वर्ट कर देंगे आइए कैसे करेंगे एक एक करके समझते हैं सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस की टेस्टिस कितने हैं एक पेयर में टेस्टिस क्या करता है

तीसरा दिखा दिया बल्बो अब ये सारे ऑर्गन्स ये सारे सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं ये इसमें इस स्पर्म को अलाइव बनाने के लिए इस स्पर्म को एनर्जी देने के लिए इस स्पर्म को मोशन देने के लिए और इसको एल्कलाइन बनाने के लिए मदद करते हैं हाँ ये तीनों चीज जो मैं बोला ये सब ऑर्गन अभी करेंगे इनके फंक्शंस देखेंगे पेनिस क्या करता है पेनिस एक या, या पीनिस जिसे हम कहते हैं ये क्या करता है सिर्फ स्पर्म को ट्रांसफर करता है इसमें फीमेल वेजाइना में और यूरेथ्रा यूरेथ्रा वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो पेनिस के अंदर दिख रहा है आपको पेनिस के अंदर दिख रहा है जिसका काम है स्पर्म को ले जाना ठीक है और स्पर्म को ले जाना कैरी करना याद रखिएगा यूरिन भी पास करने में ये यूरेथ्रा मदद करता है एट अ टाइम यूरिन या स्पर्म दोनों में से कोई एक निकलेगा दोनों नहीं निकलेगा हाँ

ठीक सुना उसके बॉडी के अंदर होता है तो टेस्टीज आर कंटेंट विद इन दी एफोमैन बट जैसे जैसे सेवेंथ मंथ का चाइल्ड हो जाता है सातवें महीने में उस न्यू बॉर्न बेबी के उस न्यू बॉर्न बेबी का टेस्टिस उसकी बॉडी से बाहर निकल आता है थ्रू इनग्यूनल कैनाल इनग्यूनल कैनाल से वह बाहर निकल आता है और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में आकर के हैंगिंग स्ट्रक्चर बन जाता है सर बाहर लाने की क्यों जरूरत पड़ती है उसे क्यों नहीं बॉडी के अंदर ही रहता है ये टेस्टिस फीमेल में तो फीमेल ऑर्गन बॉडी के अंदर रहते हैं कि मेल में टेस्टीज बाहर क्यों होता है क्योंकि दो से तीन डिग्री होता है इसीलिए अगर रहेगा तो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा क्या मतलब अगर किसी की बॉडी के इनसाइड ही हाँ किसी मेल बॉडी के इनसाइड ही अगर टेस्टिस रह गया तो वो वो स्टराइल मेल होगा हाँ मतलब में न्यू बॉर्न बेबीज प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं होगी क्योंकि वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा समझ गया ना तो बॉडी का टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर थर्टी सेवन डिग्री है उससे दो से तीन डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के प्रोडक्शन में तो स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन द टेस्टिस ये तो आप जानते हैं और पर स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए दो से तीन डिग्री लोअर टेम्परेचर चाहिए तो अगर हमारी बॉडी भी यस हमारी बॉडी भी क्या करती है जब गर्म होती है यस आप जब समर्स के दिन में है तो ये जो स्क्रॉटल है ये ज़्यादा लूजेंड हो जाता है बॉडी से ज्यादा लोअर चला जाता है अवे चला जाता है ताकि ज़्यादा क्या करे टेम्परेचर लोअर कर पाए है ना दे दे हैंग अवे फ्रॉम द बॉडी और इसका ठीक उल्टा कर दीजिए जब बहुत ठंड पड़ रही होती है बाहर टेम्परेचर बहुत लो हो चुका होता है तो ये क्या हो जाता है टाइटनड हो जाते हैं ये अपने आप को फोल्ड कर लेते हैं और दे ड्रॉ क्लोजर टू द बॉडी ताकि बॉडी से वॉम्प ले सके कितना स्मार्ट है हमारा स्क्रॉटल सेक है ना क्योंकि उसी का काम है इस टेस्टिस को बॉडी से अवे ले जाना और बॉडी के पास ले जाना रिक्वायरमेंट ऑफ दी टेंपरेचर अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस हाँ टेस्टिस को देखेंगे स्ट्रक्चर देखेंगे इसका तो टेस्टिस एक कैप्सूल के अंदर कैप्ड है ध्यान से डायग्राम को देख पाएंगे आप टेस्टिस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में कैप है ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर जो आउटर कवरिंग है यही है यही है स्क्रॉटम आप स्क्रॉटम बोलिए क्रोटल बोलिए हाँ वैसे मैंने बता दिया दो पेयर होते हैं टेस्टिस एक नहीं होती है दो होती है शेप क्या होता है ओवल होता है अंडाकार शेप होता है 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 इसका ठीक ये बाहरी स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको अब अब इसका इसके अंदर की बात करें तो इंटरनली इसके अंदर 250 सौ लोब्यूल्स होते हैं लोब्यूल्स क्या होते है? ये sections हैं ये सेक्शंस बने हुए हैं देखिए ध्यान से इसको इस चैम्बर को कहते हैं लोब्यूल्स ध्यान से देखिए चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है मैंने रेड बॉक्सेस बना दिया है इसको कहते हैं लोब्यूल्स कितने होते हैं लोब्यूल्स लगभग 250 अराउंड 250 होते हैं और हर लोब्यूल के अंदर ये जो लोब्यूल दिख रहा है इस लोब्यूल के अंदर पाए जाते हैं, क्या होते हैं ये यही सबसे मेन ऑर्गन है ये सेमिन टिब्यूल एक ट्यूब्यूल मतलब लाइक स्ट्रक्चर -like है ऐसे ऐसे राउंड लाइक स्ट्रक्चर है देखिए ध्यान से राउंड लाइक स्ट्रक्चर आप दिख रहे हैं

नाम है सेल्स ये क्या होते हैं एक्चुअली ये इसके अंदर ही पाए जाते हैं जो कॉइल्स दिख रहे हैं वो आपस में पैकिंग एक क्लोज बाउंड के अंदर रखे गए हैं एक ट्यूब एक पैकिंग मटेरियल के अंदर रखे गए हैं आ, एक के अंदर रखे गए हैं उसका नाम है इंटरस्टेस्टल सेल्स दे आर पैकिंग टिश्यूज बिटवीन कॉइल्स ऑफ ताकि वो जो सेमिनिकल वेसल्स हैं आपस में स्टिक ना हो जाए ठीक है इनको बचाता है ये इंटरटेस्टियल सेल्स आइए आगे बढ़ते हैं और इसमें एक वर्ड दिखाना जा रहे हैं स्पर्म डक या इसी डायग्राम को देखिए थोड़ा ध्यान से स्पर्म डक याद रखिएगा लेबलिंग के लिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है ये दिखा आपको ये दिखा आपको सेमिनल टिब्यूल सेमिनल टिक्यूल के अंदर बीच में मैंने कहा इंटेस्टिनल सेल्स और ये जब स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं ये सारे स्पर्म्स डक्ट के द्वारा क्या नाम है ई डक्ट ई मतलब अवे ही मतलब अवे तो इफरेंट डक्ट के द्वारा ये सब पहुंच जाते हैं एपिडिडमिस में कहा पहुंच जाते हैं एपिडिडमिस ये है एपीडिडमिस एपिडिडमिस भी एक डक्ट है हाँ एपिडिडमिस या डिडमस जो बोलिए एपिडिडमस एक डक्ट है ये रहा और यहाँ से स्पर्म कैरी होते हैं और मूव करके पहुंच जाते हैं पास डिफरेंस पे हाँ फास्ट डिफरेंस पे स्पर्म डक पे जिसको डिफरेंट टेफरेंट डक्ट कहते हैं ध्यान से देख पा रहे हैं डिफरेंट इंटेस्टिनल सेल्स और उसके बाद आ रहा है स्पर्म स्पर्म डक्ट डक्ट जिसका दूसरा नाम मैंने बताया वाम वास डेफरेंस है और ये टेस्टिस से कैरी करता है स्पर्म को अब मैंने कहा ये स्पर्म अभी हाँ ये स्पर्म अभी शक्तिशाली नहीं है अभी इसमें एनर्जी नहीं है अभी इसको मूव करने के लिए इसको और अभी बनाना पड़ेगा अभी ये इसको अल्कलाइन बनाना है क्योंकि फीमेल वेजना में एक्सिडिक मटेरियल होता है और यहाँ पर ये क्या है एल्कलाइन बनाना है अभी इसमें और एसेसरीज की ज़रूरत है आइए क्या क्या की जरूरत है देखिए एक एक करके ऑर्गन्स की सबसे पहले जरूरत पड़ती है सेमिनिकल वेसल्स की अभी सेमिनिकल वेसल्स कैसे होते हैं ये एक लोब्यूल टाइप के एक छोटे छोड़ छोटे ग्लोब जैसे बने हुए पदार्थ होते हैं कुछ इस तरीके से दिखेगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका देखिए ये है सेमिनिकल वैसे मैंने बना दिया आपके लिए स्क्रीन पे सेमिनिकल वैसे ये कहाँ पाए जाते हैं पोस्टीरियर एंड में पाए जाते हैं यूरिनरी और रेक्टम के बीच में पाए जाते हैं करते क्या है सेमिनिकल वैसेल सर तो यही एक सिक्रीशन एक लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं जो कि मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट का काम करता है अर्थात तिसल वाला पदार्थ बना देता है इसको बहुत सिल्की एंड स्मूथ बना देता है स्पर्म को इसके मिलने से स्पर्म जो है वाइटिश फ्लूड बन जाता है और कहलाता है अब वो और इजीली फ्लो कर पाता है उसका बह पाना मूव आगे कर पाना फास्टर होता है इस 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 दूसरा होता है प्रोस्टेट ग्रैंड प्रोस्टेट ग्लैंड एक बाइलोब्ड ग्लैंड अर्थार्थ ऐसा जैसा लगेगा कि किसी ने ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे बना दिया ग्लैंड देखिए ध्यान से दो स्ट्रक्चर बने हुए हैं जैसे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है और सराउंड यूरेथ्रा करता है यूरेथ्रा के ऊपर है आपको मैं भी दिखाने वाला हूँ डायग्राम यूरेथ्रा वाला डायग्राम दिखा दूंगा क्या करता है ये सीमेन को जो यहाँ सीमेन बना सेमिनिकल वेसल के उस सेमिनिकल वेसल के सीमेन को क्या करता है ये एल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट करता है एल्कलाइन इसलिए करता है ताकि जब फीमेल पार्ट में जब एंटर करे वहाँ पर वो क्या हो जाए न्यूट्रलाइज हो जाए क्योंकि वहाँ एसिडिक होता है तो इट न्यूट्रलाइज द एसिड्स इन दी वेजाइना इसीलिए इसको तो उसका मतलब है इसको ये एल्कलाइन बनाता है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड तीसरा और इंपॉर्टेंट एसेसरी ग्लैंड है बल्बो यूरेथरल ग्लैंड जिसको कूपर्स ग्लैंड भी कहते हैं या कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं क्या करता है ये दो ओवाइड ये छोटे छोटे ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है ओवाइड स्ट्रक्चर ये ओवाइड स्ट्रक्चर है विच ओपन इनटू द यूरेथ्रा ये भी यूरेथ्रा में एंटर कर जाते हैं जस्ट बिफोर एंटरिंग द पेनिस ठीक पेनिस में पहुंचने से पहले जब तक ये वेसल पेनिस तक नहीं पहुंचा है उससे ठीक पहले मिलेंगे ये भी क्या करते हैं इसको लुब्रिकेट करते हैं अप करते हैं आइए मैं आपको ये तीनों ऑर्गन एक साथ दिखा दू फटाफट जल्दी से देखते हैं तीनों ऑर्गन ये देखिए यहां पर आपने देखा अभी तक एपिडेडमिस देखा ये ठीक है एपिडेडमिस के बाद ये ये पहुंच गया क्या ये है हमारा स्पर्म डक्ट चला गया स्पर्म डक्ट अब आइए ऊपर ले चलते हैं वापस फटाफट एकदम ऊपर ले चलते हैं और इस डायग्राम को देखते हैं अब को बड़ा कर दिया मैंने आपके लिए इस स्पर्म ड बड़ा हो गया और अब आप देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर अब आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहले दिख रहा है आपको पेनिस रहा क्लियर पेनिस के बीच में आप देखिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यही ट्यूब क्या करता है यूरिन और स्पर्म बाहर छोड़ता है बॉडी से ठीक है यहीं से स्पर्म जो कि मैंने कहा सीमेंट के रूप में निकलता है हाँ, सिर्फ स्पर्म नहीं निकलता है साथ में एक लिक्विड एक स्लाइविक स्लाइविक लिक्विड निकलता है एक एक स्मूथ लिक्विड लिक्विड निकलता है तो ये देखिए यहां पर है यहां पर है बल्बो ग्लैंड ठीक यूरेथरा जब एंटर करने वाली होती है पेनिस पे तब एक बल्ब टाइप का ऑर्गन होता है नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको हम कूपर्स ग्लैंड भी कह रहे हैं बल्बो यूरेथ्रल ठीक है आइए इस ग्लैंड से ऊपर सबसे पहले देखें सबसे पहले आप देखा कि ये स्पर्म डक्ट है स्पर्म डक्ट कलर चेंज कर देता हूँ ये डक्ट जो है ऊपर जा रहा है स्पर्म डक्ट में स्पर्म डक्ट में ऐड हो रहा है सेमिनिकल वेसल सेमिनिकल वेसल इसमें एक सिक्रीशन ऐड करता है जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है थिक एंड मिल्की हो जाता है क्या बन जाता है ऐसे ये सीमेन बन जाता है ठीक है उसके बाद इसके बाद आता है इसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड देखिए सीक्वेंस चल रहा है रास्ता है यहां से देखिए रास्ता चल रहा है ये मैं रास्ता दिखा रहा हूं एरो देखिए अब से ये क्या पहुंच रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड के पास पहुंच रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है इसको एल्लाइन बना देता है क्या बना देता है एल्कलाइन बना देता है एल्क बना देता है एल्कलाइन बना देता है और नीचे बल्बो यूथल क्या करता है इसे लुब्रिकेटिंग कर देता है लुब्रिकेट कर देता है ताकि वो इजीली फ्लो कर सके इसका मूवमेंट स्मूद हो ये करता है बल्बो यूथल क्लियर है आइए आई एम हंड्रेड एंड वन परसेंट श्योर अगर आपने पूरा डायग्राम देख लिया तो इसके बाद तो कोई कन्फ्यूजन नहीं चलिए तो ये थे हमारे सारे एसेसरी ऑर्गन्स एस का पूरा स्ट्रक्चर अब आपको ले चलते हैं आगे पेनिस की तरफ तो अगेन मैंने कहा पेनिस एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका काम है सिर्फ क्या करना सर्व कर बुलेट की स्पीड अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिपोर्डिव सिस्टम में सबसे पहले दिखाई देगा आपको ओवरीज सर कहा है ओवरीज देखिए ओवरी ये पेयर में पाई जाती हैं दोनों साइड में दिखाई दे रही होगी हाँ ये ओवरीज है ओवरीज ओवा प्रोड्यूस करती हैं हाँ ओवम सिंगुलर है ये क्या होते हैं अगेन फीमेल सेक्स गेमिट्स या फीमेल सेक्स सेल्स है कौन ओवा कौन प्रोड्यूस करता है ये ओवरी प्रोड्यूस करती है यही इसी को आगे जाके एग कहते हैं हम लोग और ये जो ओवीडक्ट है ये क्या है एक्चुअली एक ट्यूब है बड़ा सा ये जो बड़ा सा ट्यूब देख रहे हैं आप यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा सा ट्यूब देख रहे हैं ये पूरा ट्यूब यहाँ देखिए इसको फिलोपियन ट्यूब कहते हैं ओविडक्ट कहते हैं हाँ जो नाम ले लीजिए इसका काम होता है इस एग को जो ओवरी से रिलीज हुआ है उसको आगे ले जाना क्या करना एक पैसेज है एग को कन्वे करने के लिए एग को आगे ले जाने के लिए ठीक है आगे बढ़िए तो उसके बाद आपको दिखेगा एक पियर लाइक स्ट्रक्चर एक पियर लाइक डायग्राम ओ, ओ यूट्रस कैसा शेप होता है पियर लाइक -like शेप होता है पियर हाँ हाँ पियर तो फल होता है ना तो पियर लाइक शेप किसका है इसका शेप है। ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो खाली स्पेस दिख रही है ये एक्चुअली एक हॉलो स्पेस है ये मैं यहां बाहर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे जगह कम है तो यहां बाहर लिख दे रहा हूँ यूट यही सबसे मेन ऑर्गन है क्या करने के लिए बेबी को ग्रो करने के लिए हाँ जो फीमेल एम्ब्रियो फीमेल बॉडी में जो न्यू बॉर्न ग्रो कर रहा है वो कहाँ ग्रो कर रहा है इस यूट्रस की वॉल्स में ग्रो कर रहा है इस यूट्रस की वॉल को कहते हैं एंडोमेट्रियम ये जो यूट्रस की लाइनिंग दिख रही है इसका नाम है एंडोमेट्रियम आउटर लाइनिंग को कहते हैं एंडोमेट्रियम उसके बाद सेकंड लाइनिंग में माइकोमेट्रियम और सबसे आउटर मोस्ट सबसे इनर मोस्ट है एंडो और सबसे आउटर मोस्ट है सॉरी पेरीमेट्रियम देखा तीन लाइनिंग है आइए और क्या दिख रहा है आपको कर्विक्स दिख रहा है कर्विक्स एक मस्कुलर वॉल होती है और ये रहा कर्विक्स का कैनाल नाम है सर्वाइकल कैनाल ठीक है सर्विक्स एक मस्कुलर वॉल है मस्कुलर चैम्बर है और ये रहा व जाइना जहाँ पर एक्चुअली में क्या हो रहा है पैनेस रिसीव करता है जो आइए एक एक करके सारे ऑर्गन को देखें, लास्ट आता है वल्वा, सर वल्वा तो यहाँ है नहीं एक्चुअली वल्वा इज द एक्सटीरियर फीमेल जेनिटीलिया हाँ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ दिस चलिए इसको आपने देख लिया अब आपको चलते हैं वापस शुरू करते हैं एक एक करके ओवरीज की बात करते हैं अब हर एक पार्ट को डिटेल में समझेंगे ओवरी की बात करते हैं तो ओवरीज कितनी है दो होती हैं कैसे शेप की होती हैं ओवाइड शेप की होती हैं लगभग लगभग अंडाकार शेप की होती हैं अच्छा ये जो ओवरीज होती हैं दे आर आउटर पार्ट प्रोड्यूसे इनके आउटर पार्ट प्रोड्यूस करते हैं ओवा या एग प्रोड्यूस करते हैं नॉर्मली कितने एग प्रोड्यूस करता है नॉर्मली एक एग ही मैच्योर होता है कितना एग कितना एक ही एग मैच्योर होता है इन दी अल्टरनेट मंथ क्लियर अब इस एग को जो मैच्योर कर जाता है अर्थात ये ग्रो कर जाता है तो इसके ऊपर एक सैक होता है सर्कुलर सैक होता है अर्थात एक कवरिंग होती है आउटर कवरिंग होती है इसको कहते हैं फॉलिकल क्या एक मैच्योर एग के ऊपर एक कवरिंग होती है नाम होता है फॉलिकल ये एग जब और ग्रो करता है तो फॉलिकल और एनलार्ज होती है क्योंकि इसमें भर जाता है ढेर सारा फ्लूड क्या ढेर सारा फ्लूड भर जाता है, जाता है अपने ग्रोथ के समय और इसे कहते हैं ग्रेफाइन फॉलिकल क्या कहते हैं इसी को ग्रेफाइन फॉलिकल इसी एक्ट से फॉलिकल फॉलिकल से ग्रेफाइन फॉलिकल और जब ये राइप हो जाता है तैयार हो जाता है ऑन दर्फेस ऑफ दी ओवरी पे आके एक तरह से कहें लटक जाता है कौन ये ग्रेफाइन फॉलिकल तो जिस स्टेज से यस जिस प्रोसेस से ये ओवा ओवा क्या है मैंने कहा प्रोड्यूसिंग सेल्स गिवराइज टू दी ओवम इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं जब आपने देखा ओवा से मेच्योर ओवम तक तैयार हो गया ठीक है बट मैंने कहा इट इज अलो प्रोसेस टाइम टेकिंग प्रोसेस जब ये पूरा मेच्योर हो रहा है नाम है ओ जेनेसिस जिससे ओवा से ओवम बन रहा है आइए ओवीडक की बात करें जिसको हम अगेन ओवीडक भी कितने दो है आपने देखा फैन लाइक स्ट्रक्चर होगा ऐसा बना हुआ तो ओवीडक्ट भी कितने दो हैं ट्यूब्स कहते हैं, यूट्राइन ट्यूब्स कहते हैं ऑलमोस्ट ट्वेल्व सेंटीमीटर लंबे होते हैं ये और क्या खास बात है ये ये ओवरी का जो डक्ट है, है, यस पाइप ठीक है ओवी फनल? आपको ओवीड्यूकल फनल दिखा देता हूँ ओवीड्यूकल फनल कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं दिखाई देते हैं आपको यहां दिखाई देता है फनल शेप आगे फिर यूट्रस कैसा दिखाई देता है मैंने पहले ही बताया यूट्रस यूरिनरी ब्लेडर और रेक्टम के बीच का ऑर्गन है यहाँ पे क्या होता है हॉलो स्पेस है यहाँ पे कुछ है नहीं यहाँ पर ये खाली स्पेस है सिर्फ जहाँ पर आगे जाकर के ये पियर लाइक ऑर्गन होता है और यहाँ पर नया जो ये जो एम मेच्योर एग है जब फर्टिलाइज होने लगता है तो यहीं पर एम्ब्रियो आके डेवलप करता है अब आते हैं वे की बात करते हैं ये एक मस्कुलर ट्यूब है कैसा है एक ट्यूब लाइक ऑर्गन है जो सिर्फ क्या करता है पेनिस को रिसीव करता है मेच्यूरेशन कॉप्यशन uh, के दौरान या मीटिंग के दौरान ये एक बहुत इलास्टिक मेमब्रेन होती है क्या इलास्टिक मेमब्रेन होती है जो अलाउ करती है बेबी को इवन बाहर निकलने में हाँ बेबी को यूट्रस के बाद वेजीना से पास होकर के बाहर निकलना होता है इसकी वजह से वो क्या करती है इलास्टिक होती है अपने आप यस अपने आप ये क्या करती है एट द टाइम ऑफ द गेस्ट स्टेशन एट द गेस्टेशन ये अपने आप क्या करती है वॉल्स एलोंगेट कर जाती हैं

वल्वा मैंने कहा एक्सटर्नल फीमेल है अर्थात एक्सटर्नल पार्ट ऑफ फीमेल ऑर्गन याद रखिएगा फीमेल में फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी के अंदर है आपने बाहर नहीं देखा जबकि मेल में मैंने क्या बताया था बाहर है आइए ये हारमोन्स जो बॉडी में पैदा हो रहे हैं सर ये हारमोन्स क्या होते हैं हारमोन्स आर केमिकल्स दे आर रेगुलेटर्स जो बॉडी में हमारे चेंजेस ला रहे हैं हाँ आपकी और हमारी बॉडी में जो चेंजेस हुए इतने सारे वो सब

क्या वर्ड है प्यूबर्टी ये वो स्टेज है जब गर्ल्स और बॉयज यंग एज से हाँ बच्चे से एडल्टहुड में आने लगते हैं तो उन दोनों के बीच का स्टेज है प्यूबर्टी आगे प्यूबर्टी में क्या होता है इस टाइम में ओव्यूलेशन पहली बार होता है अर्थात ओवा फॉर्म होता है एग फॉर्म होता है और ओवरी इस फीमेल सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करती है कभी ना कभी तो पहली बार ये सेक्स हार्मोन्स पैदा होंगे

आ, जो बॉयज में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका नाम है टेस्टरॉन ठीक है या टेस्टोस्टर ये बॉयज में हाँ बॉयज में छाती पे बाल आ जाना ऑन ऑन फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी या प्यूबर्टी आर्म्स में आर्म पिट्स में हेयर आना ये सब कैसे है और वॉइस का क्रैकिंग होना ये ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है बॉयज में ये टेस्टरॉन प्रोड्यूस कर रहा है ये 11 से 15 थोड़ा सा लेट प्यूबर्टी स्टार्ट होती है बॉयज की 11 से फिफ्टीन और गर्ल्स की थोड़ी अर्ली स्टार्ट होती है टेन टू फोर्टीन और ये टेस्टरॉन ही सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर देता है बॉयज में मेल में अच्छा फीमेल में एक और हार्मोन है नाम है प्रोजेस्टर प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन क्या करता है कॉर्पस नाम का एक प्रोड्यूस करता है जो प्रिपेयर करता है यूट्रस को एम्ब्रियो को रिसीव अर्थात अब आप और मैच्योर हो गए हैं और एम्ब्रियो रिसीव कर सकते हैं ये काम करता है ये हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन ये बेसिकली रिप्रोडक्शन के स्टेज के समय का है आइए प्यूबर्टी वन सेकेंड प्यूबर्टी एक ऐसा स्टेज है जब इमेच्योर सिस्टम ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स मैच्योर हो जाते हैं अभी तक इससे पहले तक आप इमेच्योर थे अब आप क्या होने वाले हैं कहते नहीं तुम बड़े हो गए हो कहते हैं कई बार पेरेंट्स तो वो इसकी वजह से कह रहे हैं इस समय आप कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूस हो रहे हैं एट द एज ऑफ टेन मैंने कहा गर्ल्स में आने लगता है साइंस ऑफ प्यूबर्टी जिसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट और बॉयज में एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस क्या ये दोनों सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर हैं प्राइमरी नहीं है चलिए मैंट्रल साइकिल जो कि एक रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ फीमेल में पाया जाने वाला साइकिल है याद रखिएगा ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो फीमेल्स में होने वाला है फ्रॉम द एज ऑफ थर्टीन टू फोर्टी फाइव टू फिफ्टी हाँ ये फोर्टी फाइव टू फिफ्टी इसलिए क्योंकि ये एंड जो पीरियड है साइकिल के बंद होने का ये थोड़ा सा वेरिएशन के साथ बंद हो सकता है इस पूरे पीरियड में इस पूरे पीरियड में ट्वेंटी एट डेज का टाइम ड्यूरेशन लगता है हाँ ये ट्वेंटी एट पीरियड की एक साइकिल है जो रिपीट होती है इस समय मेन्स्ट्रल फ्लो नाम का एक लिक्विड हाँ बॉडी से डिस्चार्ज होता है फीमेल की आइए स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट है मेनार्ज एस ए आर सी एच ई -E.

ब्लड डिस्चार्ज हो रहा होता है बॉडी से याद रखिएगा फीमेल बॉडी से और ये ब्लड क्यों आता है ये आता है बिकॉज ऑफ द शेडिंग एंड रक्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से शेडिंग एंड ऑफ द ब्लड वेसल है ये कहा से आता है तो ये इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द दिलियम जिसे हम यूट्रस की लाइनिंग कह रहे हैं इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस के वॉल से आता है ठीक है ये हो गया पहला तीन से पांच दिन का फेज नेक्स्ट आता है फॉलिकुलर फेज इस समय फॉलिकल्स ग्रो कर जाते हैं क्योंकि मैंने कहा था एक हार्मोन पैदा होता है नाम है ओजेस्ट्रॉन हाँ ओजेस्ट्रो जो जो सेकेंडरी सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स लाता है इस समय ओवरीज एनलार्ज होने लगती हैं और इस समय यूट्रस की लाइनिंग में वो जाकर के स्टिक होने लगता है फर्दर और ब्लड वेसल्स क्या करता है ये प्रोड्यूस करता है क्योंकि खूब सारा क्या करता है लिक्विड या फ्लूड गैदर कर लेता है इस फॉलिकुलर फेज में

और इस समय इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस और थिकंड हो जाती है क्योंकि इस समय खूब सारा ओवा जो कि ओवा में रिलीज हो चुका है और आकर के कहा पहुंच जाता है ओवरी में ठीक है दे द फॉलिकल इन एंड अ हारमोन प्रोड्यूंग टिश्यू कॉल्ड एस कॉर्पस लेटियम क्या चीज कॉर्पस लेटियम नाम के हार्मोन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन तक ये चला जाता है इस फोर्थ स्टेज पे आते हैं। और फिर अगेन क्या होता है स्टेज वन मेंस्ट्रुअल फ्लो टू तो तो ये ये सारा सीक्वेंस है है। है। का। आइए करते हैं। हैं, जब हम बात कर रहे होते हैं, तो कुछ जरा इस को ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। पहले स्टेज पे आप देखेंगे कि एक एग दिखाई दे रहा है एक, एक दिखाई दे रहा है। दिखाई दिया ये एग सेल है एग न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है इस एग न्यूक्लियस पे क्या हो रहा है बहुत सारे स्पर्म्स रिसीव हो रहे हैं अब ये स्पर्म्स सारे इसके अंदर जाएंगे ऐसा नहीं है कोई एक ही स्पर्म क्या करेगा इसके अंदर एंटर कर पाएगा देखिए आप ध्यान से एक स्पर्म ही इसके अंदर एंटर कर पा रहा है तो जो स्पर्म एंटर कर रहा है वन स्पर्म इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्म एंटरिंग इन टू न्यूक्लियस ऑफ दी ओवा और बाकी बाकी पार्ट क्या हो जाएंगे डिस इंटीग्रेट हो जाएंगे उसके चले जाएंगे और स्पर्म का भी सिर्फ न्यूक्लियस एंटर करेगा ध्यान दीजिएगा स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस और न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म रीचेज दिखाई दे रहा होगा द अदर पार्ट ऑफ दिस इंटीग्रेट और बाद में दोनों क्या हो रहे हैं फ्यूज देखिए न्यूक्लियस ऑफ एग एंड न्यूक्लियस ऑफ दी स्पर्म फ्यूज हो रहे हैं हम इसी प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन ये पूरा प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन तो तो फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ मेल ट इज मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट इससे क्या प्रोड्यूस होगा डाइगोव आइए फंक्शन ऑफ द स्पर्म को बारे में थोड़ा समझेंगे और फिर आपको हाँ स्पर्म के डायग्राम के साथ समझेंगे तो स्पर्म के अगर डायग्राम की बात करें तो स्पर्म के पार्ट्स में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है फर्स्ट रीजन आइए तीन पार्ट में बॉडी डिवाइडेड है स्पर्म की मतलब स्पर्म तीन पार्ट में डिवाइडेड है पहला हेड रीजन दूसरा है नेक रीजन तीसरा मिडिल पोर्शन है जो कि नेक के साथ ही है और लास्ट है टेल रीजन चलिए सबसे पहले बात करते हैं हेड रीजन की हेड रीजन के आउटर मोस्ट कवरिंग पर ऊपर टॉप मोस्ट पे क्या पाया जाता है एक्रोसोम पाया जाता है तो ये एक्रोसोम क्या होता है आइए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका एक्रोसोम एक्रोसोम जो आउटर मोस्ट टॉप ऑफ दी हेड में पाया जाता है इसके अंदर एक एंजाइम होते हैं हेल्यूरोनोइड्स नहीं हेल्यूरोनेड हेल्यूरोनिडेस ओहो नाम याद करना जरूरी है बस ठीक है स्पेलिंग देख लो h u r o n i d s ठीक है ये वो स्पर्म सॉरी ये वो एक्रोसोम एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से वो ओवा के अंदर घुस पाता है क्या चीज इट फैसिलिटेट्स दी एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द एग इसी की वजह से ओवम की वॉल आगे की डिसॉल्व हो पाती है और वो उसके अंदर एंटर कर पाता है ठीक है अगर ये एक्रोसोम एक्रोसोम यस वीक होगा तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि एग के अंदर स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा स्पर्म का न्यूक्लियस जाना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल है ये न्यूक्लियस है आपको दिखेगा हेड के अंदर ही दिखेगा आपको न्यूक्लियस ठीक है तो हेड के अंदर न्यूक्लियस और ऊपर कवरिंग है एक्रोसोम और अब आता है इसका माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट मिडिल पार्ट में मिडिल पार्ट में इसके है है ये क्या करता है स्पर्म को? क्या, बोलते है इसको? क्या करता स्पर्म को पावर हाउस ऑफ़ सेल बोलते हैं स्विम करके ओवा तक पहुंचना होता है ठीक है ना तो स्पर्म स्विम करता है इसकी एनर्जी से. और लास्ट पार्ट कौन सा बचा टेल पार्ट बचा आप देख भी रहे हैं लग रहा है कि की तो फ्लैजिलम कहते हैं ये लैशिंग मूवमेंट करता रहता है क्या करता है लैशिंग मूवमेंट पैदा करता रहता है जिसकी वजह से प्रोपल्शन होता है अर्थात आगे जाके स्पर्म आगे बढ़ता रहता है इस लैशिंग मूवमेंट की वजह से चलिए अब आप पैने, आ, स्पर्म को नहीं भूल पाएंगे चलिए ये जरा डायग्राम को देखिए क्या हो रहा है स्क्रीन अब आप स्क्रीन को देखेंगे इम्प्लांटेशन आप समझने जा रहे हैं बहुत ध्यान से समझिएगा क्या हुआ जरा देखिए तो पहला स्टेज ओव्यूलेशन हुआ ओव्यूलेशन में एग रिलीज हुआ ठीक है आप देख पा रहे हैं एग रिलीज हो रहा है ठीक है एग ओविडक्ट में यस ओवरी से रिलीज हो करके ओविडक्ट जिसको ओविड्यूकल फनल भी कह रहे हैं ये जो फनल बना हुआ है देखा ना ऐसा ये फनल बना हुआ है ओविड्यूकल फनल में एग है ये एग आगे प्रोड्यूस होते हुए यस ये ग्रेजुअल फेज है आगे प्रोड्यूस होते हुए पहले क्या करेगा रिसीव करेगा स्पर्म को इस स्टेज पे क्या हो रहा है फर्टिल रिसीव हो रहे हैं पहले एग प्रोड्यूस हो रहा है ओवुलेशन हो रहा है ठीक है ओवुलेशन हो रहा है एग रिलीज हो रहा है एग रिलीज हो करके ओविडक्ट में जा रहा है मूव कर रहा है और इस फेलोपिन ट्यूब में मूव करते हुए आगे जाकर ये स्पर्म्स को रिसीव कर रहा है यहां देखिए स्पर्म रिसीव हो रहे हैं एक स्पर्म इसके अंदर सिर्फ एंटर कर पाएगा एट अ टाइम यूजुअली एक स्पर्म एंटर कर पाएगा और स्पर्म के एंटर करते यस यहां से माइटोसिस होना शुरू हो जाएगा पहले स्टेज में माइटोसिस बाद में मियोसिस क्या हो रहा है देखिए सेकेंड स्टेज पे ये जो फेलोपियन ट्यूब है आगे जाके सेकेंड स्टेज में क्या कर रहा है क्लीवेज पैदा कर रहा है क्लीवेज मतलब डिविजन होता है हाँ यही क्या हो जाएंगे अब डिवाइड हो जाएंगे जब फर्टिलाइजेशन हो गया सेकेंड स्टेज पे इसका फर्टिलाइजेशन हुआ ठीक है पहले स्टेज पे ओव्यूलेशन सेकेंड स्टेज पे फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बाद थर्ड स्टेज पे क्लीवेज क्लीवेज मतलब उसका फर्दर डिवीजन उसमें दो सेल्स आठ सेल्स सोलह सेल एंड सो ऑन ऐसे करके सेल डिवाइड हो रही देखिए हो रहा है पहले सेल्स हैं जो इसके है, इसको मोर्यूला बोलते हैं क्या बोलते हैं मोर्यूला क्या चीज है वर्ड अदर टर्म फॉर डिविजन ऑफ मैनील जब बहुत सारी सेल्स पैदा हो जाती हैं इसे मोर्यूला कहते हैं यही मोरूला जब एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बन जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग ब्लिस्टोसिस्ट क्या बोलते हैं इसी को ब्लिस्टोसिस्ट बोलते हैं ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव organ के अंडर चल रहा है ये सब विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव organ चल रहा है और ब्लिस्टोसिस्ट अब फाइनली जाकर के वॉल ऑफ द यूट्रस ये वॉल ऑफ द यूट्रस है जिसको एंडोमेट्रियम आपने पढ़ा था इनर लाइनिंग पढ़ा था आपने है ना इस इनर लाइनिंग में जाकर के आकर के क्या हो जाएगा अपने आप को इम्प्लांट कर देगा स्टिक कर जाएगा सरफेस पे क्योंकि ये हॉलो स्ट्रक्चर होता है पियर लाइक -like होता है और ये रिसीविंग करने का काम करता है तो इस को रिसीव करेगा और यहीं से फर्दर गेस्टेशन गयस, पीरियड शुरू होगा हाँ दो डे का अबाउट गेस्टेशन पीरियड होता है हमारे ह्यूमन बॉडीज में मतलब 280 दिन लगते हैं एक नए बेबी को आने में तो इस तक तब तक ही यहाँ पर क्या हो रहा है इम्प्लांटेड रहेगा और यहीं से क्या होगा इम्प्लांटेशन के बाद शुरू होगा इस बेबी की फीडिंग हाँ इंटरनली तो मदर से क्या होने वाला है सब कुछ मिलने वाला है हाँ आपको पता होना चाहिए प्लासेंटा उसे सब कुछ प्रदान करता है क्या बेबी को ग्लूकोज चाहिए मिनरल्स चाहिए विटामिन चाहिए उनको ऑक्सीजन चाहिए ये सब कौन देने वाला है प्लासेंटा के थ्रू प्लासेंटा के थ्रू ही वह क्या करेगा सारा रिसीव करेगा और बेबी का वेस्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बाहर भी जाएगा हाँ सब कुछ कहा होने वाला है यहीं पे होने वाला है तो सबसे पहला वर्ड आया प्ला इम्प्लांटेशन मतलब जो जो मैच्योर एग था जो जाइगोड था वो फर्दर डिवाइड किया बना क्लीवेज क्लीवेज मतलब मैंने कहा डिविजन हो रहा है टू फोर एट का डिविजन हुआ फिर ये रीच करता है यूट्रस की वॉल पे यूट्रस की वॉल बॉल पेलो होलो बॉल बन जाता है हम इससे होलो बॉल को ब्लिस्टोसिस्ट कहते हैं एंडोमेटेरियल लाइनिंग यूट्रस में आउटर लाइनिंग में, में जाकर स्टिक कर सात दिन लगते हैं और उसके बाद इम्प्लांटेशन yes, और यहीं से प्रेगनेंसी शुरू इसका मतलब है कि अब फीमेल प्रेगनेंट है अब फिर से आते हैं एक एक टर्म को समझते हैं इम्प्लांटेशन का पहले मीनिंग समझते हैं।

Embryo के अंदर आपको क्लियर नहीं दिखेगा कि हैंड का है, नहीं, नहीं, नहीं। है, है? Like yes, सातवें बाद, लगने लगेगा. Yes, के वी के बाद अब दिखने लगेगा ठीक है लुक लाइक अ बेबी लगेगा वरना पहले सिर्फ एक सेल का कलेक्शन दिखेगा इससे पहले और प्रेगनेंसी स्टेट ऑफ कैरिंग अनबॉर्न

थोड़ा नीचे डायग्राम ये वाला थोड़ा डायग्राम नीचे है, दिखा देते हैं ये रहा डायग्राम इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए जब ये नया जब स्ट, जब स्टार्टिंग स्टेज है और ये पूरा बेबी तैयार है बाहर निकलने के लिए ठीक है स्टार्टिंग स्टेज में देखिए जब ये इसके अंदर मौजूद है कहा रहा ये एमनियन एमनियन ये सैक लाइक -like स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ऊपर आउटर मोस्ट कवरिंग है जिसके अंदर ये एम्ब्रियो रखा है क्लियर दिख रहा है इस एम्ब्रियो को दाना पानी खाना पीना नाश्ता डिनर लंच कौन प्रोवाइड कर रहा है ये अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोवाइड कर रहा है चलिए जो कर रहा हूं मतलब मां से मिलने वाला सारा यस इवन वायरस भी मां से इसी से जाएगा इसके अंदर ठीक है अम्बेलिकल कॉर्ड है जिससे वो माँ से जुड़ा रहता है हर समय अटैच्ड है माँ से ये रहा प्लाटा ठीक है ना जहां पे वो अटैच है जिससे वो अटैच्ड है आप देख पा रहे होंगे कि एमनियन एक सेक है और आप देखेंगे एमनियन के ऊपर भी कवरिंग है हाँ कोरॉन की सी एच ओ आर आई ये थिक मस्कुलर कवरिंग है आ, बैग लाइक -like कवरिंग है और एमनियन के अंदर क्या मौजूद है एमनियन के अंदर एक एमनियोटिक फ्लूड है जिस फ्लूड के अंदर ये बच्चा रहता है जो कि शॉक से बचाता है हाँ और ढेर सारे काम करता है ये रहा फर्दर यूटरस का माउथ जहाँ से बेबी को डिस्चार्ज हाथ रिमूव होना है एक्सपेल आउट होना है अब आप देखेंगे हेड फर्स्ट ये देखा आपको देखेगा हेड फर्स्ट पहले डिस्चार्ज होगा ये डेवलपमेंट का बिगनिंग स्टेज है जब आप क्लियर नहीं है कि बॉडी के ऑर्गन्स क्या हैं और ये सेवन वीक का फोटो है और ये टू एटी डेज के बाद का अप्रोक्सीमेटली टू एट्टी डेज का फोटो है जब पूरा बेबी एकदम ऑर्गन्स के साथ तैयार है चलिए वापस ले चलते हैं आपको अब आप, आप आ, समझ गए कि एमनियन क्या होता है और एमनियोटिक फ्लूड क्या होता है तो एमनियन एक सेक है जो कि एम्ब्रियो के ऊपर होता है क्या करता है प्रोटेक्ट करता है बेबी को एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है फिजिकल डैमेज से बचाता है जर का शॉक से बचाता है अगर माँ गिर भी जाए टेंशन नहीं लेना क्योंकि ये ऊपर से सेक लगा हुआ है ठीक है और ये प्रेशर झेल सकता है यस कीप्स इवन प्रेशर फ्रॉम ऑल अराउंड इस फिटस को क्या करता है मूवमेंट करने का कहते हैं ना बच्चा पैर मार रहा है बच्चा मूव कर रहा है तो ये मूवमेंट करने का परमिशन देता है क्योंकि वो लिक्विड में स्पेस बची हुई है और लास्ट में है प्रिवेंट स्टिकिंग ऑफ द फिटेस टू दियॉन एमनियॉन से उस आउटर लेयर से चिपकना नहीं इसके लिए अंदर उसके अंदर भरा हुआ है फ्लूड एमनियोटिक फ्लूड आइए प्लासेंटा की बात करें इस डायग्राम को देखिए प्लासेंटा आपको क्लियर दिखेगा आ, प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या है प्लासेंटा है एक डिस्क एक डिस्क डिस्क लाइक लाइक स्ट्रक्चर है जो अटैच टू यूट्राइन वॉल है इस यूट्राइन की वॉल पे ये रहा यूट्राइन वॉल इससे अटैच ये स्ट्रक्चर आप पूरा देख रहे हैं नीचे तक ये पूरा क्या है प्लासेंटा सोचिए इमेजिन करिए इस फीटस के बारे में सोचिए इस फीटस को फूड और सारा डाइजेस्टिव चीज से मिल रही है मा से मिल रही है इस प्लासेंटा की बॉल से अटैच है ये कॉर्ड क्यूट आर्टरीज भी दिखाई दे रही हैं आपको वेन्स भी दिखाई दे रही हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आ रहा है चाइल्ड तक आर्टरीज और और वेस्ट कैरी कर रहा है ठीक है ना आप देख पा रहे होंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड

एक में कॉर्ड होता है अ कॉर्ड कंटेनिंग द ब्लड वेसल विच कनेक्ट प्लासेंटा विदिटस एंड दिस इज कॉल्ड एज अम्बेलिकल कॉर्ड तो मेन अम्बेलिकल कॉर्ड ही है जिसके अंदर दोनों हैं ऑक्सीजनेशन ले जाने वाली ग्लूकोज ले जाने वाली एक ट्यूब और वेस्ट कैरी करने के लिए भी ट्यूब दोनों ही है अम्बेलिकल कॉड हाँ न्यूबॉर्न के बाद बच्चे का ये क्या करना होता है माँ से कट करना पता है अलग करना पता. ये वर्ड आएगा पार्ट्यूरिशन पार्ट्यूरिशन Birth, जिस प्रोसेस से जब फुल टर्म बेबी का हो गया पूरा डेवलप हो गया के अंदर, तो उस पूरे को कहते हैं हम लोग गेस्टेशन पीरियड हाँ जैसे हम नौ महीने का पीरियड आम भाषा में बोलते हैं यूजुअली ये टू एटी डेज का होता है आ, नौ महीने से दस दिन ज्यादा है ध्यान दीजिएगा तो ह्यूमन बींग्स में यह टू एटी डेज का होता है और ये जो पार्चुरशन है यह एक्ट ऑफ स्पेलिंग एक्सपेल मतलब होता है बॉडी से बाहर निकालना ढकेलना पुश आउट करना इसको फीटस को मदर के यूट्रस से बाहर निकालना जब गेस्टेशन पीरियड ओवर हो जाए इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं पार्ट्यूरेशन अर्थात बेबी का बर्थ होना अब आता है टर्म आता है आइडेंटिकल ट्विन क्या होते हैं और सर फ्रेटर्नल ट्विन क्या होते हैं ध्यान से समझिएगा ये दोनों दो टर्म है मिलते जुलते टर्म है ट्विन्स मतलब जुड़वा हाँ तुम जुड़वा फिल्म की सोच रहे हो बात ना सलमान खान की नहीं नहीं उसकी बात नहीं कर रहे उसमें दो सलमान खान थे एक को मारते थे दूसरे को दर्द होता था पर वो जो ट्विंस थे वो आइडेंटिकल ट्विंस थे कैसे ट्विंस थे वो हाँ सलमान खान वाली जुड़वा देखा होगा या रिसेंट भी एक जुड़वा फिर आई थी ना तो वो वरुण धवन वाली शायद है ना ऐसा कुछ था मैंने देखी नहीं है वैसे तो ये ये इसमें आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है दोनों एक जैसे दिखते हैं रंग रूप आकार में जो दोनों ट्विंस होते हैं एक जैसे दिखते हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं जब फ्रेटर ट्विन वो एक जैसे नहीं दिखते आइए दोनों कैसे पैदा होते हैं समझते हैं कभी कभी क्या होता है दो एग रिलीज होते हैं नॉर्मली मैंने कहा था एक एग रिलीज होता है इससे पहले मैंने बताया था कि एक एग रिलीज होता है तो कभी कभी क्या होते है? दो एग रिलीज होते हैं और दोनों ही एग फर्टिलाइज हो जा रहे हैं अर्थात एक एग स्पर्म द्वारा दूसरा एग फिर से स्पर्म द्वारा क्या हो रहा है फर्टिलाइज हो जा रहा है नतीजा एक नहीं दो इंडिविजुअल माँ डेवलप कर रही है मां के यूटरस पे दो इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है हम इसे कहते हैं फेटर ट्विंस क्योंकि दो अलग अलग एग है दो अलग अलग एग है इसीलिए ट्विंस जो होते हैं अलग दिखते हैं क्या ये देखने में अलग है क्या आपके हाँ मेरे पास तो ऐसे कुछ बच्चे थे मैंने जिनको देखा जो बॉय और गर्ल थे दोनों ही अलग अलग देखने में थे रंग रूप आकार में अलग थे माँ एक ही थी ट्विंस थे कुछ सेकंड पहले कुछ मिनट पहले एक बच्चा पैदा हुआ था कुछ मिनट बाद दूसरा बच्चा माँ से बाहर Peturation में दोनों एक साथ तो निकलेंगे नहीं तो एक बच्चा पहले एक बच्चा बाद में निकलेगा तो है वो ट्विंस कभी कभी एक सिंगल एग ही एक एग है इस पे ये एग क्या होता है आगे जाके स्प्लिट हो जाता है यही सिंगल एग आगे जाके क्या होता है स्प्लिट हो जाता है और दो अलग अलग दो अलग अलग न्यू बॉर्नस को पैदा करता है ये कब होता है ये होता है ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ सेल डिवीजन जो क्लीवेज शुरू हुआ था ना उस क्लीवेज के दौरान ही शुरू हो जाता है एक ही एग दो पार्ट में अपने आप को क्या करता है ब्रेक डाउन करता है ये एग फर्टिलाइज हो चुका है इसका मतलब इसको स्पर्म पहले ही मिल चुका है यहां यहां पर याँ पर इस एग में स्पर्म मिल चुका है एग फर्टिलाइज हो चुका है अब फर्टिलाइज होने के बाद की स्टेज में क्या कर रहा है अपने आप को फर्दर ब्रेक कर दे रहा है दो पार्ट में ब्रेक कर दे रहा है अब ये अलग इंडिविजुअल और ये अलग इंडिविजुअल पैदा हो रहा है ये ट्विंस जो होते हैं क्योंकि एक ही एग से पैदा हुए हैं सिंगल एग से पैदा हुए हैं दो एग नहीं है इसीलिए ये आइडेंटिकल ट्विन्स हैं ये एग्जैक्टली एग्जैक्टली फोटो कॉपी ऑफ ईच अदर है ठीक सुना एग्जैक्टली फोटो कॉपी ऑफ ईच अदर हैं तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एंटायर चैप्टर उम्मीद करता हूँ कि इससे सिंपल और इससे से बेटर कहीं कुछ भी नहीं है बस आपको अब क्या करना है इसको एक बार ब्रशअप करना है देखना है और सारे डायग्राम्स जो हम कर रहे हैं आपको एग्जैक्टली exactly प्रिपेयर करना है क्योंकि इसके बिना इसके बिना आपकी बायोलॉजी अधूरी थैंक यू एंड बाय बाय बाय